दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ये साल रणबीर और आलिया के लिए बेहद खूबसूरत रहा है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये साल सच में आलिया और रणबीर पर काफ़ी मेहरबान रहा है। आलिया भट्ट ने जहां इस साल अपने क्रश यानी कि रणबीर कपूर से शादी रचाई तो वहीं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र को भी रिलीज किया। इसके साथ ही उस फिल्म ने काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया। दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। अब फाइनली ये दोनों बन चुके हैं पेरेंट्स, क्योंकि आलिया भट्ट ने बेबी गर्ल को दिया है जन्म। और ऐसे में काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो रणबीर और आलिया को विश देते हुए थक नहीं रहे हैं। आपको बता दें, आलिया भट्ट ने अपनी बेबी गर्ल की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए सभी के साथ शेयर की थी, जिसके बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि भाई आलिया भट्ट जो हैं वो एक नन्ही परी की माँ बन चुकी हैं। इसके साथ ही अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो आपको बता दें, इस लिस्ट में काफ़ी सारे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। दोस्तों, सबसे पहले माधुरी दीक्षित ने उनको विश किया है ये लिखते हुए कि वार्मेस्ट विशेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द बर्थ ऑफ योर स्वीट लिटल बेबी गर्ल। तो वहीं श्वेता बच्चन ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू टू, हैप्पीनेस एंड हेल्थ ऑलवेज। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र फिल्म की विलन यानी कि मौनी रॉय ने भी उन दोनों को विश करते हुए लिखा है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया एंड रणबीर, ऑल माय लव, ओनली लव फॉर योर एंजल। दोस्तों, आपको बता दें कि आलिया भट्ट हमेशा से ही चाहती थी कि उनको बेटा हो, लेकिन रणबीर की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा एक बेटी के पिता बने। और भाई, अब ये जो विश है वो भगवान जी ने सुन ली है, क्योंकि आलिया भट्ट ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। लेकिन इसके साथ ही सोनम कपूर का भी विश सामने आया है। सोनम कपूर ने उनके पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग गर्ल, कैन नॉट वेट टू सी योर प्रिंसेस। दोस्तों, आपको बता दें, हर कोई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि आखिर कब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी का चेहरा सभी को दिखाते हैं। इसके साथ ही कृति सैनन ने कंग्रेचुलेशंस कहा है, नेहा धूपिया ने कंग्रेचुलेशंस कहते हुए लिखा है, गॉड ब्लेस ऑल थ्री ऑफ यू, बिगेस्ट हग एवर। इसके साथ ही दिया मिर्जा, रिया कपूर, इन सभी ने बधाइयां दी हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कपिल शर्मा और अक्षय कुमार की विशेज भी सामने आई हैं। अक्षय कुमार ने रणबीर आलिया को विश करते हुए लिखा है, कंग्रेचुलेशंस आलिया रणबीर, नो बिगर जॉय इन द वर्ल्ड देन टू हैव अ डॉटर, ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, आपको बता दें, अक्षय कुमार खुद एक बेटी के पिता हैं और वो इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि एक बेटी का अपनी ज़िंदगी में होना कितनी बड़ी खुशखबरी होता है। इसके साथ ही कपिल शर्मा ने भी लिखा है, कंग्रेचुलेशंस मम्मी पापा, दिस इज़ द बेस्टेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यू गाइज आर ब्लेस्ड विद, लॉट्स ऑफ लव टू लिटिल प्रिंसेस, गॉड ब्लेस योर ब्यूटीफुल फैमिली। दोस्तों, आपको बता दें, रणबीर और आलिया जो है वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। रणबीर और आलिया की सुबह ही वीडियो सामने आई थी जिसमें आलिया भट्ट हॉस्पिटल ले जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई कि रणबीर और आलिया जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, हर कोई इस खबर की काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगा रहा था कि अब फाइनली रणबीर और आलिया के बेबी की खबर सामने आएगी। और जैसे ही ये खबर सामने आई, ये बात साफ हो गई कि भाई आलिया और रणबीर जो है वो माता पिता बन चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म बीट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।